हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाहर निकले हुए दांतों को किस तरीके से हम अंदर लेके जाते हैं। अगर आपके दांत बाहर निकले हुए हैं, दांत बड़े हैं और आप अपने होठों को अच्छे से नहीं मिला पाते हो, या आपको ध्यान रख के या ज़बरदस्ती अपने होठों को आपस में मिलाना पड़ता है, बट अगर आप उसको लूज छोड़ेंगे या फिर नेचुरल तरीके से आपके दोनों होठ जो हैं वो आपस में नहीं मिलते, इस तरीके के दांतों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे तीन तरीके जिससे आप बाहर निकले हुए दांतों को अंदर कर सकते हैं। इसमें एक तरीका है जिसमें आप जो होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी जैसे तार बांध के काफ़ी लंबे समय से हम अपने दांतों को अंदर कर सकते हैं। दूसरा होता है नेचुरल वे, जब वो एक सिर्फ लिमिटेड एज तक ही काम आता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो तरीका आपके लिए बिल्कुल काम नहीं आता। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को तार बंधवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपना इलाज जल्दी से जल्दी चाहते हैं, यानी जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना इलाज चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में, अगर कोई यहाँ के अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपके जब भी दांत बाहर निकले हुए होते हैं या आपके दांत थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है आपके दांतों को पीछे खींचने की, उस समय क्या किया जाता है कि जो आपके जो फर्स्ट प्रीमोलर्स होते हैं, दो प्रीमोलर्स ऊपर होते हैं, दो प्रीमोलर्स नीचे होते हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में, यानी रेयर केसेस में, सिर्फ ऊपर के ही दो प्रीमोलर्स निकाले जाते हैं, बट वो बहुत रेयर केस होते हैं। अक्सर जो होते हैं वो ऊपर के भी दो दांत निकालते हैं, नीचे के भी दो दांत निकाले जाते हैं। फिर इन्हीं की मदद से आपके जो आगे के दांत हैं उनको पीछे खींच के जो बीच में जो जगह बची है उसको क्लोज कर दिया जाता है, और इस तरीके से आपके बाहर निकले हुए जो दांत हैं वो परमानेंटली अंदर हो जाते हैं। इस इलाज में आपको जो समय लगता है वो 1 से 1.5 साल जो होता है वो समय लगता है। इसमें आपको डॉक्टर के पास हर महीने विजिट करना होता है या हर 2 महीनों में एक बार विजिट ज़रूर करना होता है, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको जितना खिंचाव करना होता है वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके उस खिंचाव को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इलाज आपको कितने से कितने समय में करवाना चाहिए। वैसे तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये अक्सर अगर आप 13 साल की उम्र में करवाएं, 15 साल में करवाएं, या 17 या 18 साल में भी करवाएं, तो इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर आप ये इलाज 25 साल के बाद करवाते हैं तो इस इलाज में थोड़ा लंबा समय लगता है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो चलिए नेक्स्ट इलाज की हम बात करते हैं, जो होता है नेचुरल वे। नेचुरल वे तभी आपके काम आता है जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उस समय जब आपके बच्चे की हड्डी ग्रो कर रही होती है तो जिस तरीके से तार आपके दांतों के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, यानी हम तारों को बांधते हैं ताकि आपके जो बाहर निकले हुए दांत हैं उनको अंदर खींच सके। अगर आपके बच्चे के भी कोई भी एक भी दांत या दो दांत बाहर निकले हुए हैं या फिर आगे के दांत बाहर निकले हुए हैं तो आप उनमें अंदर की साइड प्रेशर लगा सकते हो, यानी आपकी जो फिंगर है उसको आप ऐसे रखो और उनको अंदर की साइड में प्रेशर लगाओ। इससे जो आपके बाहर निकले हुए दांत हैं वो धीरे धीरे करके अंदर चले जाएंगे, बट ये प्रेशर जो है वो आपको काफ़ी लंबे समय लगाना है और काफ़ी कंटिन्यूएशन में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 दिन उन दांतों पर प्रेशर लगाया और आपके जो दांत हैं वो अंदर चले गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और ये वाली जो चीज़ है ये जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर ग्रोइंग एज में है तभी आपके जो दांत हैं वो ठीक हो सकते हैं। अगर आप एक बार 15 साल में पहुंच गए हो या फिर 15 साल से बड़े हो गए तो नेचुरल वे आपके कोई भी काम नहीं आता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को तार बंधवाना पसंद नहीं है, जो 25 साल से ऊपर हो गए हैं या 20 साल से ऊपर हो गए हैं, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है और वो बहुत शॉर्ट टाइम में अपने ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग ट्रीटमेंट करते हैं। स्माइल डिज़ाइनिंग ट्रीटमेंट में जो आपके दांत बाहर की तरफ होते हैं उनको टूथ प्रिपेयर कर लिया जाता है, यानी दांतों को ऐसी शेप दी जाती है जिसकी वजह से जो दांत है वो अंदर की साइड में होने लगते हैं, और उन दांतों के ऊपर हम लोग या तो वीनियर्स लगा देते हैं या फिर कैपिंग के थ्रू भी आपकी जो स्माइल डिज़ाइनिंग है वो भी की जा सकती है। स्माइल डिज़ाइनिंग से आपके जो दांत है वो लगभग सारे बराबर हो जाते हैं और बहुत सुंदर दिखने लगते हैं।
स्माइल डिजाइनिंग में अगर आपके दांतों का कलर पीला है या फिर कैसा भी है, अगर आप उसको सफ़ेद करवाना चाहते हो या जैसा भी कलर आप चाहते हो, स्माइल डिजाइनिंग में आप अपने दांतों में वही कलर करवा सकते हो। ये जो ट्रीटमेंट है ये आप किसी भी एज में करवा सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि हमारी एज इतना हो गया है हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो। आप ये जो ट्रीटमेंट है ये आप किसी भी एज में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो स्माइल डिजाइनिंग का। अगर इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन लगते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये 7 दिन से पहले भी ये ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ 7 दिन का ही समय लगता है, जिसके बाद आपकी जो बाहर निकले हुए दांत हैं उनको अंदर कर दिया जाता है। अगर अभी भी आपको इन तीनों जो ट्रीटमेंट है इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमसे करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बता पाए हैं तो आप नीचे लिख के पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। चाहे हमें थोड़ा समय लगे बट आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।